नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। अच्छा अंकल जी मैं जा रहा हूँ। राजीव, अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, मरवाओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग शहर में वापस आ गए, अंदर ही रहो। अरे अंकल मैं संजना के भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ, आप ही ने तो कहा था कि फटाफट एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। मुझे भी संजना की सहेलियां बता रही थी कि संजना के भाई साहब शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। और एक बार उनके साथ हमारा रिश्ता तय हो गया ना, फिर तो मजनू और शेट्टी से उनके भाई साहब ही निपटेंगे, हम क्यों निपटे हैं? जाओ बेटे जाओ, वहां से जाओ वहां से। अच्छा मामी जी बाय। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था। वो तलाश भी आज खत्म हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारे घर वालों को संजना पसंद है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? भाई साहब 13 तारीख को संजना का बर्थडे है, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए। इतनी जल्दी कैसे तैयारियां हो जाएंगी? भाई साहब तैयारियों का क्या होता है, सिर्फ 4 कार्ड छापने होते हैं, 4 लोगों को बुलाना होता है और 2 अंगूठियां चाहिए होती है, बस और क्या। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब कोई तकलीफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आज आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 3 खुशखबरी। तुम्हारी खुशखबरियां बाद में सुनाना, पहले इनसे मिलो, ये संजना के होने वाले मंगेतर है। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने से पहले मुझे मिल के जाना, समझ गया ना? समझ गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, हमारे जमाने में तो घर वाले बात करते थे लेकिन नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, आप जब बोलेंगे मैं अपने घर वालों को आपसे मिलाने ले आऊंगा। अभी 2 दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है, छोटी सी पार्टी रखी है, ले आना। जी जरूर जरूर ले आऊंगा भाई साहब। ये सब बिजनेस की वजह से। सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी। अगर आप पर कोई आफत आ गई तो ये लोग जान दे देंगे, ले भी लेंगे। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, एक्चुअली एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी हैं भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है? नहीं बस आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही बात कर लूंगा उनसे। अच्छा बात कर लो, नहीं तुम उससे बात कराओ, फोन पे समझा दूंगा। जी भाई साहब। अरे मजनू 2 सेकंड पहले आता तो लड़के से मिला देता। कौन से लड़के से? वही संजना जी से प्यार करती है, 13 तारीख को मैंने मंगनी भी फिट कर दी है। फिर वो मेरा पेंटिंग वाला छोकरा, उसका क्या होगा? उसे निकाल दे पेंटिंग से, वहाँ बिल्डिंग बना। क्या बात करे उदय भाई, कितनी मेहनत करके चक्कर करके लड़के को अंदर कर आप बोलते बिल्डिंग बना दे। अरे मेहनत की है इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन की शादी कहीं भी करवा दूं। आप समझ नहीं रहे उदय भाई, वो तो जल्दी जल्दी में उसकी शराफत में बराबर पेंट नहीं कर पाया। देख संजना इस लड़के से प्यार करती है, इसके घर वाले भी संजना को बहुत पसंद करते हैं, अपने आप मामला फिट हो गया है। तेरे वाले लड़के को थूक लगा दे। सर मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वाह, पूछना तो नहीं चाहता लेकिन पूछे बगैर रह भी नहीं सकता। ये भी ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसे कैंसिल कर रहे हैं। आजा बताता हूँ। क्या हुआ सर? मैंने तो गलती कर दी। डॉक्टर गंगरू, रिश्ता कैंसिल। क्या बात करते हैं रिश्ता, क्या बात करते हैं आप, रिश्ता कैंसिल? हमारे उदय भाई से हाथ मिला के गले मिल के रिश्ता फाइनल करके गायब है? नहीं मैं मंगनी और शादी की तैयारी करने गया था ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टू लेट, अभी हमारी सिस्टर को किसी और से लव हो गया है, उदय भाई की तरफ से सॉरी। सॉरी क्या, अपने आप की जान छूटी, जान निकल जाएगी मेरे भांजे की। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है,
ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को। हाँ लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी। They could have easily said sorry to us. अबे what? ए बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया वरना हम कैंसिल करने वाले थे। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है। एक मिनट अंकल, आप जानते हैं वो लोग कौन है? कौन है? हा? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। वो आप और आपके वो क्या नाम है उनका? शेट्टी। यस मिस्टर शेट्टी। 10 जनों को ऐसे यू ही खरीद सकते हैं। या यस आप समझे? मैं समझनू भाई, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी और उसके माँ बाप तो कैसे कैसे होंगे। मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। मजनू भाई जिसे मर्जी चाहे उठा लेते हैं। याद रखिए मिस्टर मजनू, आपको भी कोई उठा सकता है। ए, बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट ट्राई टू टच मी। ये लो मैंने फिर छुआ, अब क्या कर लोगे? ए, कौन है तेरे पीछे? जानना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं उनसे? ये लीजिए ये फोन है, मैं आपको नंबर लगा कर दूं, बात करेंगे आप उनसे। हैं हिम्मत है आप में? क्या हुआ बोलती बंद हो गई आपकी? हैं हेलो, ओ इधर देखिए तीसरी बार छुआ। राजू मत छू, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत छू। लिसन मिस्टर मजनू, इफ यू एवर ट्राई टू क्रॉस माय वे यू वुड हैव इट फ्रॉम मी एंड माय रिलेटिव एंड दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। लेट्स गो अंकल, लेट्स गो। मैं फिर छू। अरे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन मजनू भाई और उदय भाई से बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है, जॉर्ज बुश। हाँ। अरे कैसे हैं मेरे साहब? नमस्ते भाभी। शेडी साहब होटल बड़ा शानदार बनाया। बस दुआएं आपकी, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। भाई ये पार्टी में सब शरीफ लोग दिख रहे हैं। खाली व्हाइट कॉलर वालों को बुलाया ताकि उन लोगों के बीच में उदय भाई और हम भी शरीफ लगे। आपको क्या लगता है शेव वेव करके आप शरीफ लग रहे? संजना हाय, हाउ आर यू? हम फाइन। मंगनी का कार्ड तो मिल गया पर राजीव और उसकी फैमिली किधर है? बस आते ही होंगे। देखा मामा जी रौनक देखी आपने? मुझे तो हंसी उस पर आ रही है जिसको शेट्टी की बहन से प्यार हो गया। अंकल वैसे बुरी बात है, किसी की बर्बादी पर इस तरह हंसते नहीं है। वैसे मुझे तो उस लड़के से ज्यादा उसके खानदान पर तरस आ रहा है। सारी जिंदगी रोना पड़ेगा उन लोगों को। वो तो है। अरे घुमरू, ये तो वही लोग है ना जिनका रिश्ता हम लोगों ने ठुकराया था। कपूर्स द क्रिमिनल्स। छोड़ो भी। अरे घुंगरू जी आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं भाई? ये पार्टी जिन्होंने दी है और जिनका ये शानदार होटल है ना, उनकी बहन के साथ हमारे भांजे का रिश्ता तय हुआ है। नमस्ते। अच्छा? अरे भाई घुंगरू जी कमाल हो गया, ये बड़ा ही शरीफ खानदान ढूंढा आपने। बिल्कुल। वैसे अगर आपने यही रिश्ता करना था तो हमारे खानदान में क्या कमी थी। चलो यार पता नहीं कहाँ से चले आते। क्या कहा इसने, क्या बोला ये? नथिंग अंकल, जस्ट डोंट पे अटेंशन, इज जस्ट जेलस। कम लेट्स गो। कपूर्स द क्रिमिनल्स। भैया राजीव के घर वाले आ गए। हाय भाई साहब। भाई साहब ये मेरे अंकल हैं और अंकल ये है मेरे भैया। अंकल अंकल आर यू ओके? अरे यहाँ कोई डॉक्टर है, जल्दी एम्बुलेंस। मामी इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम अंकल। राजीव बेटा घुंगरू अंकल क्या करूं? क्या करूं मैं होश में आकर, क्या करूं? साला जिस रिश्ते से हम पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा है। अब वो संजना डॉन उदय शेट्टी की बहन। ओह माय गॉड, फिर से राजीव
राजीव डॉक्टर साहब जरा चेक करना।